हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साजिद अंसारी, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम लखनऊ, SSRT के सेंटर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर हियर जस्ट टू डिस्कस समथिंग अबाउट हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है, कैसे हो जाता है, और एक बार हो गया तो उससे कैसे उसका उपचार करें, और उपचार करने से पहले प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये देखा गया है कि हार्ट अटैक के अगर जो हम लक्षणों की बात करें तो लक्षण हैं, वो भी मैं गिनाऊंगा आपको, क्या होता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट, मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जो अपनी दिनचर्या में हम बदलाव कर सकते हैं, जो स्मोकिंग है, एक्सेस सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ओबेसिटी है, BMI का बढ़ना है, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, ये भी बड़ी वेल इस्टेब्लिश स्टडी अब नहीं आ रही है कि जो जेनेटिक फैक्टर भी हैं, अगर जो उसमें भी आप एक्सरसाइज और व्यायाम करते हैं तो कुछ जीन्स का रेगुलेशन ऐसा होता है कि उससे भी रिस्क फैक्टर कम होता है। तो ये ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर है। उसके बाद जो हार्ट अटैक की इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड हार्ट अटैक है, अगर जो आप लिटरेचर पढ़ेंगे या पेपर भी देखते होंगे, तो जो दो तीन क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर की बात है, तो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों में हार्ट अटैक की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है कि ये दोनों बीमारियों की अगर जो वजह जानेंगे आप, तो ये आपको पता लगेगा कि जो वैस्कुलर एंडोथीलियम है, जो नसों की दीवारें हैं, जो आर्टरी की, वो थिक होने लगती है, स्क्लेरोज होने लगती है, और साथ में अगर जो किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको LDL कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो कि मेजर कल्प्रिट है, या गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम होने लगता है, तो और होता क्या है, फिर जो एक कॉमन सॉयल हाइपोथेसिस होती है, जिससे कि डिफरेंट बायोमार्कर्स होते हैं, वो नसों में बढ़ने लगते हैं, और जो एथेरोजेनिक प्रोसेस है, जिससे नसों की थिकनेस बढ़ने लगती है, और जो इफेक्टिव ल्यूमेन है, जो ब्लड फ्लो का एरिया है, वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से इनसाइड वॉल ऑफ आर्टरी प्लाक बनने लगता है, और वही प्लाक जब अचानक टूटता है तो हार्ट अटैक, जिसको कि हृदय घात भी कहा जाता है, होने लगता है। ये कई तरीके का होता है। STMI जो कि मेजर अटैक कहते हैं, जिसका तुरंत ही उपचार अति आवश्यक है, जिसको कि कहा जाता है कि आप अर्जेंटली एंजियोप्लास्टी करें, आप तो फार्मेको इन्वेजिव थेरेपी भी है, पहले थ्रम्बोलाइज करें फिर एंजियोप्लास्टी करें, non-ST अनस्टेबल एंजाइना। तो ये तो डॉक्टर के लेवल की बात है, मरीज़ क्या करें, इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या है, उन लक्षणों को जाने। लक्षण में देखिए, जो हार्ट अटैक का दर्द है वो अम्ब्लाइकस यानी पेट के मिडिल एरिया से लेके लोअर जा तक कहीं भी हो सकता है, और अक्सर ये देखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले OPD में ही बात है, एक पेशेंट आया था कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, और लीवर की प्रॉब्लम है, बस ये सब गिना रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि और क्या तकलीफ है, चलने में सांस फूलती है, सीने में भारीपन होता है, तो हाँ होता है साहब, और बड़ा क्लियर कट हिस्ट्री थी कि जब खाना खा के चलता हूँ तो और बढ़ जाता है, इसको पोस्ट मील एंजाइना कहते हैं। तो एक जो गैस वाली जो मिथ्स है मरीजों के दिमाग में घुसी हुई कि मुझे गैस चढ़ी है, तो ये हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि मरीज को साक्षर करें। ऑफकोर्स गैस की एसिडिटी की एक बीमारी है, लेकिन किस सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में है, और क्या ये इतनी खतरनाक है कि सबको बस उसी से कन्विंस कर दिया जाए। तो एनीवे, चेस्ट पेन, रिट्रोस्टर्नल पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बर्निंग, फीलिंग ऑफ गैसियस डिस्टेंशन, पेन रेडिएटिंग टू आर्म, स्वीटिंग, पसीना होना, थोड़ा भी चलने में तकलीफ का बढ़ना, ये सब बड़े क्लासिकल प्राइमरी सिम्टम है। जब किसी को और समस्या बढ़ जाती है तो फिर साथ में उसका BP कम होने लगता है, हाइपोटेंशन होता है, चक्कर आता है, रेयरली कुछ एक आध आर्टरी के ब्लॉक, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, जिसमें कि पेशेंट को कई बार ब्लॉकेज शुरू होने लगता है इमीडिएटली, तो वैसोवेगल की तरह भी प्रेजेंट होता है, जिसमें पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है। तो कहना ये है कि उस सिम्टम को कोरिलेट करने के लिए ऑलवेज डॉक्टर आई शुड बी ऑलवेज ओपन एंड थिंक ऑफ हॉलिस्टिक अप्रोच 360 डिग्री, हाउ टू मेक अ राइट डायग्नोसिस। अब जब एक बार डायग्नोसिस बन गई तो एक बड़ी प्राइमरी टूल्स है कि हार्ट अटैक को जानने के लिए ECG किया जाता है, और ECG के साथ समस्या एक ये है कि एक तो पहले दूरस्थ स्थानों में जैसे प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ सेंटर पे नहीं हो पाता, मरीजों को तुरंत शहर आना पड़ता है, और ECG भी हो भी गया
तो ईसीजी के बिना पे आप किसी को डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे। रादर देन ईसीजी, क्लिनिकल सिम्टम और साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मरीज की बातों को जानना, इसलिए कि पहले चार घंटे में ईसीजी में चेंजेज आने की संभावना बहुत कम होती है, सेंसिटिविटी 50-60% होती है। तो जो हमारे सामने, आपके सामने या आप बाईस्टेंडर्स हैं, आपके सामने किसी दोस्त को, किसी व्यक्ति को कोई चेस्ट पेन हो रहा है और वो कह रहा है कि मुझे तो सीने में दर्द है, चलने में ये बढ़ रहा है, साथ में हमें तो देखो पसीना भी हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है और अनबियरेबल टीयरिंग पेन हो रहा है, जिसको कि एक हर लिवाइन साइन कहते हैं, मरीज ऐसे करके आता है चेस्ट, हाथ को अपने चेस्ट पर रखे हुए, तो इमिडिएटली अगर संभव हो सके तो ईसीजी किया जाए। लेकिन अगर जो ईसीजी नॉर्मल भी आ गया और आपको लगता है कि पेशेंट के साथ रिस्क फैक्टर जुड़े हुए हैं, पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, बीएमआई ज़्यादा है और क्लासिकल सिम्टम है, तो अगर जो पहली ईसीजी नॉर्मल भी है, सो दिस इज माय स्ट्रांग रिकमेंडेशन, इफ देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन टू गिविंग एंटी प्लेटलेट ड्रग एंड स्टेटिन, यू गिव हिम इमीडिएटली, यू कैन सेव देयर लाइफ। लोडिंग डोज ऑफ इकोस्पिरिन, क्लोपिडाग्रिन एंड एटारवास्टेटिन, ऑफकोर्स देने से पहले कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। बस ईसीजी के बिना पे किसी को ये कह देना कि तुम्हें परेशानी हुई है या नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग विंडो पीरियड जब तक ईसीजी में चेंजेज नहीं है, ट्रॉप्टी नहीं बढ़ता, तो इकोकार्डियोग्राफी का बड़ा अच्छा रोल है कि इमीडिएटली आप इको प्रोब लगाया, अगर जब आपके इंडोर है तो देख लिया वाल्व मोशन नॉर्मलिटी है कि नहीं है। हालांकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कि वाल्व मोशन नॉर्मलिटी होती है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना ये हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, मरीज लेवल पर जिम्मेदारी है कि अपनी समस्या को समझें और समस्या हो तो उसका प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, अपने रिस्क फैक्टर को कम करें, तनाव मुक्त रहें, बीपी शुगर को कंट्रोल रखें, नित्य व्यायाम करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इन सारी बीमारियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे डायबिटीज हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, मेरी बात इसी से शुरू होती है कि आप ये करिए, अपने डाइट कंट्रोल करिए, बीएमआई कम करिए, वॉकिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, नमाज, वट एवर यू लाइक यू गो फॉर इट, दैट नो मैटर अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन एंड कस्टम, बट यू शुड बी गो फॉर सम एक्सरसाइज एंड इवन ट्रेडिशनल एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड। तो इसको जाने और एक बार समस्या होने लगी है मरीज को, सिम्टम हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट ना करें, एक्सपेरिमेंट हमेशा खतरनाक होता है और मरीज के लिए घातक होता है, इसलिए कि कई बार ये ना जानते हैं मरीज अपनी जान से हाथ भी धो देता है। तो अपने नियरेस्ट फिजिशियन से, डॉक्टर से संपर्क करें, और हम डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी बनती है कि साइन और सिम्टम को रिकॉग्नाइज करें और सही समय से सही उचित इलाज दें। थैंक यू, धन्यवाद। दिस ऑल फ्रॉम माई साइड।